शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। तो ये लेसन के लिए भाई बहुत डिमांड आ रहा है, तो मैंने बोला नहीं भाई आज कुछ भी नहीं, सबसे पहले मैं ये वाला लेसन ही अपलोड करने वाली हूँ। और मेरे जो बच्चे बहुत दिनों से मुझे बोल रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे ना, तो चलो फिर आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेसन नंबर 8, आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। अभी आवर स्केलेटल सिस्टम, अभी कुछ बच्चों ने मुझे एक सवाल पूछा था मेरे कमेंट बॉक्स में, स्केलेटन मीन्स क्या होता है। तो ये जो हाड़पिंजर है ना, हाड़पिंजर इसे कहते हैं स्केलेटन, ठीक है। ये जो बोन्स होते हैं ना, इसे कहते हैं स्केलेटन्स, ओके। तो आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन, अभी देखो हर एक इंसान के बॉडी के अंदर इस तरह से स्केलेटन्स होते हैं, ठीक है। तो आपके भी बॉडी के अंदर है या ऐसे ही है, ऐसे ही है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे ही रास्ते में घूमेंगे, कैन यू इमेजिन कैसे दिखेंगे, फिर लोग क्या बोलेंगे पता भी नहीं चलेगा कौन कौन है करके, कोई किसी को पहचानेगा भी नहीं ना, क्योंकि सबके हड्डी एक जैसी ही रहेगी। फिर तो मजा आएगा ना, फिर है क्या नहीं। तो अगर ऊपर हमारा स्किन ही नहीं होता तो क्या होता, अगर ये स्किन नहीं होता, जो भी आपका है स्किन, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, ऐसे घूमते थे लोग रास्ते पर, है ना। तो भाई क्या है ये जो स्केलेटन और स्किन, तो देखते हैं हम लोग ये लेसन। कैन यू रिकॉल, अभी हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे, ठीक है। विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर अलोंग साइड, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, नोज है, माउथ है, लंग्स है, फिर लीवर दिखाई दे रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन इन अवर बॉडी। तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम्स, देयर फंक्शंस एंड देयर लोकेशन इन अवर बॉडी। तो इसके पहले के जो लेसन है ना, उसमें इनके काम क्या है, क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये अपने बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो यहाँ पर उन लोगों ने एक टेबल दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दैट, जो हम लोगों ने पहले के लेसन में सीखे हुए हैं, तो आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर दूंगी ना, तभी मैं ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट करके देती हूँ, ओके। समटाइम्स व्हेन वी फॉल व्हाइल प्लेइंग और हैव एन एक्सीडेंट, अ बोन इन अवर आर्म और लेग मे गेट ब्रोकन। कभी कभी क्या होता है, खेलते खेलते हम लोग गिर जाते हैं, है ना, या फिर चलते चलते कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो क्या हो जाता है, अगर बहुत जोर से मार लग जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे हाथ की या हमारे पैर की हड्डी जो है वो टूट जाती है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन, इसे ही क्या कहते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द बोन। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन करो आप लोग पेंसिल से, के अ फ्रैक्चर इन अ बोन कॉजेस सीवियर एंड अनबेरेबल पेन। तो जो कभी भी हड्डी टूटती है ना, अभी जो बच्चे होंगे जिनको फ्रैक्चर हो गया रहेगा, तो उन लोग को पता होगा कि उसका जो दर्द होता है ना वो कितना ज़्यादा होता है। तो क्या होता है ना, वो जो पेन होता है हड्डी टूटने का, बहुत ही सीवियर यानी बहुत ज़्यादा, एंड अनबियरेबल यानी उसे सह नहीं सकते, इतना वो ज़्यादा दर्द होता है जहाँ पर वो हड्डी टूटी हुई है वहाँ पर। एंड द पार्ट विद द ब्रोकन बोन swells
इमीडिएटली। और जहाँ पर हड्डी टूटी है ना, वहाँ का जो पार्ट है वो तुरंत क्या होता है, सूज जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है। कैन यू टेल योर फ्रेंड मीट विद एन एक्सीडेंट विद अ बोन इन हीज लेग इज फ्रैक्चर, हाउ विल यू हेल्प? अभी आप लोग बताओ कि ऐसा कोई आपको दोस्त मिला जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसके उसका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर आप लोग उसे किस तरह से हेल्प करोगे? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने नियरर एंड डियरर के साथ ही होगा तो हम लोग हेल्प करेंगे। जो अगर बाहर का भी कोई इंसान होगा, हम लोग चल रहे हैं या उसका एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा तो देख के अरे अरे बेचारा पैर टूट गया, ऐसे बोल के तुम लोग निकल जाओगे क्या वहां से? नहीं जा सकते हैं ना ऐसे हम लोग। तो क्या करना चाहिए? तो आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट। तो वो जो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसे बहुत ही संभालना चाहिए। इमोबिलाइज इट, उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए। एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाना चाहिए या फिर नज़दीकी डॉक्टर है वहाँ पर ले जाना चाहिए। आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल एन एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ द पार्ट विच इज स्वॉलन। फिर जब दवाखाने में लेकर जाते हैं तो वो लोग एक्सरे निकालते हैं, तो एक्सरे में जहाँ पर जो पार्ट सूज गया है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ का एक्सरे निकालने के बाद नीचे अंदर जो है ना स्किन के अंदर हड्डी जो टूटी है उसकी क्या पोजीशन है, कितना टूटा है, सिर्फ क्रैक आया है क्या, उसके दो टुकड़े हो गए हैं, तो वो सब उन लोगों को देखने के लिए मिलता है एक्सरे में। ठीक है, एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनराड रंजन। इन लोग के नाम ही ऐसे होते हैं ना, सीधे सीधे नाम हमारे कैसे नाम होते, देखो हसन, रहीम, आ, आ, अमर, राम, शीला, नीला, हाँ, और इन लोग के नाम ही ऐसे अतरंगी होते हैं, विलियम कॉनराड रंटगन। लेकिन ये अतरंगी नाम होगा ना, फिर भी तुम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का वही है भाई, हम लोग का ऐसा है तो उन लोग का वैसा है, हम लोग को जो भी है एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो ये आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे वो लोग। तो एक्सरे किसने ढूंढ कर निकाला था? एक्सरे ने क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? एक्सरे यानी आप लोगों के बॉडी के अंदर क्या है वो सब, हड्डी की पोजीशन क्या है वो सब एक्सरे में हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बार क्या हो गया था मालूम है तुम लोगों के? जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उसका पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है करके बोलता था वो। जब उसको एक्सरे निकालने के लिए कहा तो एक्सरे निकाला तो पता है उसके पेट में क्या मिला? क्या मिला होगा, कैन यू गेस? 1 रुपए का सिक्का था, 1 रुपए का सिक्का ना उसके पेट में था, वो दिखाई दिया एक्सरे में। अरे इसके पेट में तो सिक्का है, फिर उसको पेट को फाड़ के वो सिक्का निकाला उन लोगों ने, तभी उसका पेट का दर्द जो था वो बंद हो गया। तो अभी जो लोग भी जिन लोगों को आदत होती है ना मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, हाँ वो या तो गोटी डालेंगे या मोती डालेंगे या पैसे, कितने लोगों को आदत है मुंह में पैसे रखने की? हाँ अगर आदत होगी ना आप लोगों को तो बंद कर देना अभी ही। ठीक है, अगर गलती से भी वो चला गया पेट के अंदर तो समझो पेट फाड़ कर ही उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो टट्टी में से भी नहीं निकलेगा इतना बड़ा रुपया, समझ गए क्या? इसके लिए मुंह में कुछ मत डालो। ठीक है, गुड। तो ये नाम जो है ना ये याद रखना, लिख के निकालो 10 टाइम। किसने डिस्कवर किया था एक्सरे, एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों को। ठीक है, गुड, ओके। देखो वो जो बच्चा हम लोगों ने पिछले इसमें देखा ना, तो जब उसका एक्सरे में का इमेज हम लोगों ने देखा तो उसकी हड्डी देखो कहाँ पर टूटी हुई है, एन एक्सरे इमेज में
अंदर का क्या है, स्किन के अंदर वो हम लोगों को दिखाई देता है। तो देखो, दिखा तुम लोगों को, ये देखो यहाँ से जो हड्डी है ना, क्रैक हो गई है, अ फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई दिखाई दे रही ना तुम लोगों को, ये हो गया है उस बच्चे के साथ। ओके, तो एन एक्सरे इमेज शोज वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड ऑल्सो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज ब्रोकन, और एग्जैक्टली कौन सी जगह है जहाँ पर वो हड्डी टूटी हुई है, वो भी हम लोगों को एक्सरे में से पता चलता है। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ द प्रॉपर ट्रीटमेंट, और उस उसके बाद ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स आइडेंटिफाई अवर बोन्स। अभी अभी हमारे बोन्स जो है ना, उसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। वन, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रेंड्स बैक। अभी आप लोग क्या करो, आपका हाथ जो है ना अपने चेस्ट पर रखो, और आपका जो फ्रेंड है ना उसके बैक पर रखो। ठीक है, बैक पर यानी कहाँ पर, पीठ के ऊपर रख दिया आप लोगों ने। ओके, टू, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ड पार्ट यू फील ऑन प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अभी आप लोगों के चेस्ट के ऊपर आप लोगों ने हाथ रखा है ना, तो एक कुछ हार्ड पार्ट आप लोगों को लग रहा है ना चेस्ट में हाथ लगाने के बाद, देखो ना, है ना, आप लोग का चेस्ट आपके ही पास है ना, तो देखो ना हाथ लगा के क्या लग रहा है, बोलो तो जरा मुझे। हाथ को क्या लग रहा है, हार्ड पार्ट लग रहा है। थ्री, डू यू फील सम हार्ड बम्प्स ऑन द बैक, व्हाट आर दे कॉल्ड। अभी बैक साइड में है ना, पीछे की देखो एक दो हड्डियां होती है जो ऊपर की तरफ आई रहती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, वो उन लोगों ने पूछा है। फोर, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द बोन्स ऑफ द बैक एंड दोज ऑफ द चेस्ट। तो बैक में के बोन्स और चेस्ट में के बोन्स में आप लोगों को क्या फर्क दिखाई दे रहा है, तो अभी हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ स्केलेटन बोन्स के दिए हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन्स ऑफ अवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ बोन्स, वन इज अ फ्लैट बोन, सपाट, एंड टू इज अ स्मॉल बोन्स, है ना, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल बोन्स, एंड थ्री इररेगुलर बोन्स यानी टेढ़े मेढ़े। ठीक है, जिसका एक ही शेप नहीं है, ऐसे इररेगुलर बोन्स यानी अंदर थोड़े आजू में बाजू में ऐसे। ओके, फोर लॉन्ग बोन्स यानी लंबे वाले बोन्स। ठीक है, तो कितने टाइप्स के बोन्स है बताओ तो जरा। करेक्ट, फोर टाइप्स के बोन्स है। तो क्या क्या नाम है उनके, हाँ, वन है फ्लैट बोन, सेकंड है स्मॉल बोन, थर्ड है इररेगुलर बोन्स, एंड फोर है लॉन्ग बोन्स। बैठ गया दिमाग के अंदर, फिट लॉक कर दो फिर उसको अभी अंदर। ठीक है, चाबी घुमा दो जैसे अमिताभ बच्चन जी लॉक कर देते हैं वैसा। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो अभी ह्यूमन यानी इंसान लोगों का जो स्केलेटल सिस्टम है, अंदर से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो बोन्स है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी आर नॉट ऑफ द सेम टाइप,
अभी अपने बॉडी के अंदर के जो सारे बोन्स है वो एक जैसे ही नहीं होते। एवरी बोन इज डिफरेंट, हर जो हड्डी होती है वो अलग होती है। ऑल बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन। तो ये जो सारे बोन्स है ना, जब एक साथ वो जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं स्केलेटन। अ स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी। अभी हम लोगों का ये जो शेप है ना, हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, क्या नहीं, तो हमारा जो ये बॉडी का शेप है वो किस वजह से है? स्केलेटन की वजह से है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलोंग विथ कार्टिलेज टुगेदर फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो बोन्स है ना अपनी बॉडी के अंदर के, जो ये बोन्स है ना बच्चों, ये एक दूसरे से जुड़े हुए है, ठीक है? देखो है ना, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए है, ठीक है? इस तरह से रहता है अपने बॉडी के अंदर का ढांचा, उसे क्या कहते हैं? स्केलेटन, हाड़पिंजर, और मराठी में उसे कहते हैं हाड़ांचा सांगाड़ा। क्या बोलते हैं? हाड़ांचा सांगाड़ा बोलते हैं मराठी में। हिंदी में बोलते हैं हड्डियों का ढांचा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है? जब इन्हें ये बॉडी के अंदर इस तरह से जुड़े हुए है, ठीक है? बोन्स आर हार्ड। हड्डियां कैसी होती है? हार्ड होती है ना, कड़क होती है ना। क्या ऐसे तुम लोग की हड्डी लेची पीछे रबड़ के जैसी है क्या? नहीं, दे आर नॉट फ्लेक्सीबल। फ्लेक्सीबल है, जैसे मैंने अभी बोला आप लोग को, रबड़ के जैसी होती है क्या वो? फ्लेक्सीबल नहीं। कभी भी वो ऐसे मुड़ती है क्या? नहीं। तो इसके लिए बोन्स जो होते हैं वो फ्लेक्सीबल नहीं है। अभी राइट शॉर्ट नोट्स में अगर आप लोगों को स्केलेटल के बारे में या फिर बोन्स आया तो आपको लिखने आना चाहिए, ओके? तो बोन्स आर हार्ड, कड़क होते हैं वो। दे आर नॉट फ्लेक्सीबल, वो मुड़ते नहीं है। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो हड्डियां होती है ना वो दो प्रकार की बनी हुई रहती है, उनकी जो रचना होती है वो दो प्रकार की होती है। बोन सेल्स आर बायोटिक, जो बोन सेल्स होते हैं ना वो बायोटिक होते हैं, यानी जैविक होते हैं, जिंदा होते हैं, सजीव जैविक होते हैं। तो वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर द अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, और अपना सॉल्ट है, फिर मिनरल्स है, ये अबायोटिक है। अबायोटिक क्यों है? अजैविक। अजैविक क्यों है? क्योंकि हम लोग उसे खाते हैं, बाहर से वो अपने बॉडी के अंदर आता है ना। और ये जो बोन सेल्स होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? और ये जो सब चीज़ें हैं वो हम लोग खाते हैं, है ना। तो कैल्शियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स। तो कैल्शियम जो होता है ना वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है? या तो फिर डैश इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द बोन्स पूछा जाएगा, या फिर कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द डैश आएगा तो बोन्स, ठीक है? एक बार लेसन जरूर रीड करना। द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी इज द
स्केलेटल सिस्टम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? तो उसका डेफिनेशन ये है, द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। अपने बॉडी को वो एक डेफिनेट शेप देता है ना। ऐसे बहुत ऐसे रेयर केस हम लोग को दिखाई देते हैं। देखो जैसे वो कुछ लोगों के जो बोन्स होते हैं ना, वो कैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो हैंडीकैप बोलते हैं ना हम लोग उन लोगों को। तो ऐसे खुदा न खास्ता किसी के साथ हो, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं हम लोगों को, तो जो बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को जो भी हम लोग हैं ना, सीधा खड़े रहते हैं, बैठते हैं, बंधा हुआ है ना अपना बॉडी, हड्डियों के ढांचे में बंधा हुआ है, इसके लिए हम लोग बराबर दिखाई देते हैं, है क्या नहीं। तो द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट भी करता है वो हम लोग को, एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स, हमारे जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं ना, अवयव, उन्हें वो प्रोटेक्ट भी करता है। इनसाइड द बॉडी, कहाँ से, बॉडी के अंदर के, ठीक है, इज द स्केलेटल सिस्टम, वही होता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, पक्का? कोई डाउट है तो फिर कहाँ पूछेंगे आप लोग मुझे, करेक्ट, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो अभी देखते हैं भाई आगे क्या है। कैन यू टेल, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर ऑफ देयर स्केलेटन? अभी यहाँ पर उन लोगों ने कुछ एनिमल्स हम लोग को दिखाए हैं, तो उनकी स्केलेटन देखे, हड्डी देखकर क्या आप लोग पहचान पाओगे कि कौन सा एनिमल होगा? ये कौन सा है एनिमल, देखो तो जरा, ये है मुंह, और ये देखो ऐसे पीठ पर उसके इस तरह से उभार है, तो कौन से एनिमल को होता है ऐसे? करेक्ट, कैमल है ये, क्या है, कैमल। हाँ ये तो तुम लोगों ने तुरंत पहचान लिया होगा, पहचान है कि नहीं, ड्रैगन है ना। ड्रैगन, ये तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खबर जाते हैं, तो उन लोगों को तो पता है कि ये क्या है। हाँ ये है फिश, और देखो भाई ये देखो यहाँ पर बोन, ये है यहाँ पर है बोन पेड़ के ऊपर, ये जो दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को ऐसा शेप, ये है बोन, ठीक है। नहीं तो बोलोगे ये किसका बोन है, ये बोन नहीं है, ये पेड़ की डाली है, ये बोन है, ये जो है ना स्नेक, करेक्ट। ये देखो है ना स्नेक, देखो स्नेक की हड्डियां कैसी है, दिखाई दे रहे कि नहीं तुम लोग को, ये देखो है ना, देखो कैसी है उसकी हड्डियां स्नेक की। तो हम लोगों ने तो वे पहचान लिया, कितने स्मार्ट है ना हम लोग। तो स्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, ट्राई दिस, टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, डू द सेम फॉर योर फ्रेंड सिस्टर ब्रदर, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो एंड कंपेयर देम। अभी इन लोगों ने आप लोगों को काम पे लगाया है, अभी आप लोगों को एक टेप लेके आपके हाथ के बोन्स गिनने हैं, पैर के बोन्स गिनने हैं, हाँ क्या क्या है आप लोग गिन सकते हैं टेप से गिनो, और वही जो मेजरिंग टेप लेके अपने फ्रेंड के, भाई के, बहन के, मम्मी के, पापा के, जिसके जिसके है वो आप लोग मेजरमेंट करो और यहाँ पर लिखो। अभी यहाँ पर इन लोगों ने एक चार्ट दिया है तुम लोगों को, ठीक है, तो इसमें बोन्स दिए हैं, तो आर्म के बोन यानी हाथ के बोन और पैर के बोन, ठीक है। अभी सेल्फ, सेल्फ यानी तुम लोग का खुद का कितना साइज है उसका, वो लिखना है, ठीक है, और फ्रेंड का लिखना है, फिर ब्रदर का लिखना है, फिर सिस्टर का भी लिखना है मेजरमेंट करके, जैसे कपड़े मेजरमेंट करते हैं ना वैसे बोन को मेजर करने के लिए कहाँ है, ठीक है, और लिखना है यहाँ पर,
द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अभी जो ह्यूमन का जो स्केलेटन है, इंसानों का जो स्केलेटन है, उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक है एक्सियल स्केलेटन एंड टू इज अ एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अंडरलाइन करना इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अभी द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्कल यानी क्या, खोपड़ी, द स्पाइन एंड द रिब केज। ये देखो, ये है स्कल, खोपड़ी, स्पाइन, मणका बोलते ना उसको, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन और रिब केज होता है ना, हड्डियां, इसके अंदर लंग्स होते हैं ना अपने, सेफ है ना, याद आया कुछ? यस, हार्ट होता है, लंग्स होता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना ये। तो ये है रिब केज। किस में आते हैं ये? एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, ठीक में समझ गए आप लोग? डिफरेंशिएट बिटवीन, अब में आप लोगों को पूछ सकते हैं ये सवाल, ओके? तो द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज, अंडरलाइन करो। दीज आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली अलोंग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। कहां पर है वो? अपने बॉडी के, यस, जो सेंटर साइड की जो हड्डियां है वो मिलकर ये सब तैयार हुआ है। ये हुआ ना अपना, दीज आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली अलोंग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। द appendicular skeleton is made up to the bones of the upper and lower limbs, arms and legs. अभी फिर से वो दो पार्ट में हो गया ना, अपर एंड लोअर, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। तो ऊपर के पार्ट में आते हैं आर्म्स और नीचे के पार्ट में आते हैं लेग्स, ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो जो ये एक्सिस के बाहर के साइड में अपने, उससे बाहर जो आते हैं वो होते हैं हाथ और पैर, इनका जो ये भी जो हड्डी है वो भी उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। हाथ और पैर की हड्डी भी उसमें ऐड होती है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ना, एक बार निकालना आप लोग और उसका नाम भी लिखना, 3 मार्क का आएगा अगर आएगा तो, या तो फिर वो लोग डायग्राम देंगे और आप लोगों को नाम लिखने के लिए कहेंगे, ओके। तो अभी पीछे क्या है, तो अभी ये जो पीछे का जो पार्ट है ना, द एक्सियल स्केलेटन, ये मैं आप लोगों को पार्ट 2 में अपलोड करती हूँ। तब तक आप लोग जो पार्ट 1 है उसे अच्छे से समझ लेना, और ये जो है मैं पढ़ देती हूँ अभी। एज अवर बॉडी ग्रोज द साइज एंड लेंथ ऑफ अवर बोन्स इंक्रीजेस। अभी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो हड्डियों की जो साइज होती है वो भी बढ़ते जाती है, इंक्रीज होना यानी बढ़ना, ठीक है। पहले आप छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए, अभी आप इतने एज के हैं तो बोन्स भी बढ़ रहे हैं ना आप लोग के, तो इसलिए सच चेंजेस इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज। तो बच्चों के हड्डियों में, हड्डियों की साइज में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं उनकी उम्र के हिसाब से। हाउएवर द बॉडी कंटिन्यूज टू ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, द बोन्स ऑफ टॉलर पीपल आर लॉन्गर। तो अगर ये जो हड्डियाँ हैं
अगर इन हड्डियों का जो ग्रोथ है वो लिमिट से ज़्यादा होता है, एक एक पर्टिकुलर नॉर्मल साइज होता है ना वो, लेकिन जो हाइट जिन लोगों की ज़्यादा होती है ना, तो उन लोगों के हड्डियों की जो साइज होती है वो लंबी होती है, ठीक है, हड्डियाँ जो होती है ना उनकी ज़्यादा लंबी होती है, इसके लिए उनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा दिखाई देती है हम लोगों को, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है हड्डियों के साइज के ऊपर, है ना, तो समझ गए तुम लोग, अभी अभी हड्डियाँ देखते मत बैठो रे तुम लोग, मेरी हड्डी इधर है इधर है इधर है करके, अभी लेसन एक बार इतना पढ़ के निकालना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि लेसन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी ये लेसन रीड करो और आगे का जो लेसन है मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए पार्ट टू में, तब तक के लिए डोंट मिस टू वॉच ऑल माई वीडियोज, और प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के सारे वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं एज पर चिल्ड्रंस रिक्वायरमेंट, ओके, तो हम लोग मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल का आइकन टैप नहीं किया है कर दिया है, ओ थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू उसके लिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो यस, एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।